two springs A and B are stretched by applying a force of equal magnitude. जो force है वो same है. Force किसके बराबर होती है? K into X. ठीक है. At the four ends, एक spring ये है, इस पर फोर्स इधर लग रही है, एफ इस पर इधर लग रही है. एक दूसरा स्प्रिंग है, इस पर भी फोर्स एफ इधर लग रही है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट बी है और इस पर इधर लग रही है. एनर्जी स्टोर्ड बतानी है. पहले वाले में सपोज एनर्जी स्टोर्ड है, किसका रहोगी? ऑफ की ए एक्स स्क्वेयर, इसके बराबर होगी. बी के अंदर निकालनी है, ये तो ए के अंदर है और उसकी वैल्यू किसके बराबर? ई के बराबर है. हाफ के ए, जो फोर्स है वो सेम है, एक्स क्या होगा? अलग होगा, एक्स डैश का स्क्वायर, ये के बी होगा. तो यहाँ पे के ए एक्स ए के बी एक्स बी, ये होगा. तो यहाँ से एक्स बी की वैल्यू निकाल लेते हैं. एक्स बी किसके बराबर होगा? के ए अपोन एक्स ए अपोन के बी, इसके बराबर होगा. ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं. हाफ के बी के ए अपोन एक्स ए अपोन के बी स्क्वायर, तो किसके बराबर होगा? हाफ के का स्क्वायर एक्स ए का स्क्वायर अपोन ये एक्स ए का अपोन के बी, इसके बराबर होगा. तो इसमें से हम क्या कॉमन ले लें? के ए अपोन के बी कॉमन ले लेते हैं. अंदर क्या बचा? हाफ के ए एक्स ए का स्क्वायर, के ए अपोन के बी, के अपोन के बी जो है टू के बराबर, ये किसके बराबर था? ई के बराबर था. तो एनर्जी क्या होगी? ट्वाइस होगी. तो आंसर च्वाइस क्या रहेगी? बी हो जाएगी. जो आंसर च्वाइस है वो हमारी क्या होगी? बी होगी. ठीक है. इसी का सेकंड मेथड देखते हैं. कि एनर्जी जो है किसके बराबर? हाफ के एक्स स्क्वायर के बराबर है. फोर्स किसके बराबर है? के एक्स के बराबर है. तो यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, एफ अपॉन के, वो इसमें पुट कर. तो हाफ के एफ एफ का स्क्वायर अपॉन के का स्क्वायर. तो फार्मूला हमारा क्या हो जाएगा? एफ का स्क्वायर अपॉन टू के. ठीक है. फोर्स दोनों में सेम है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू के होगी. तो यू ए अपोन यू बी को किसके बराबर होगा? के बी अपोन के ए. के बी अपोन के ए वो किसके बराबर होगा? वन बाई टू के बराबर होगा. तो यू बी किसके बराबर हो जाएगा? टू यू ए हो जाएगा. और वो किसके बराबर? ई के बराबर. टू ई के बराबर हो जाएगा. आंसर च्वाइस क्या होगी? बी होगी.